आज हम आपका परिचय करवाएंगे गणित के पांच महत्वपूर्ण सूत्रों में से सबसे अहम सूत्र के साथ। और हालांकि हम किसी भी चीज को मुंह जबानी याद रखने के पक्ष में नहीं हैं, लेकिन यहाँ हम चाहेंगे कि आप इस सूत्र को याद रखें, पर इस निर्देश के साथ कि वक्त आने पर आप इसे सिद्ध भी कर सकें। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो फिर इसे सिर्फ याद रखने से आपको कोई फायदा नहीं होगा। और अब हम चलते हैं गणित के उस अहम सूत्र पर, द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, यानी द्विघात सूत्र। और शायद आप समझ गए होंगे कि हम इस सूत्र का प्रयोग करते हैं मूलों या शून्यकों को ज्ञात करने के लिए द्विघात समीकरणों में। तो पहले हम इसकी कुछ जानकारी देते हैं आपको और फिर कुछ उदाहरणों को हल करते हैं। हमारे पास ये समीकरण है, ए गुणा एक्स का वर्ग जमा बी एक्स जमा सी, जो बराबर है शून्य के। शायद आप इसे पहचान गए होंगे, ये एक द्विघात समीकरण है जहां a, b और c a x का वर्ग वाले पद का गुणांक है, b x वाले पद का गुणांक है और c तो हम कह सकते हैं कि x की घात शून्य वाले पद का गुणांक है, या यूं कहें कि एक अचर पद है। तो ये द्विघात समीकरण का मानक रूप है। अब द्विघात सूत्र से हमें पता चलता है कि इस समीकरण का हल होगा x बराबर होगा ऋणात्मक b जमा या घटा वर्गमूल b का वर्ग घटा 4ac और इस पूरे का बटा 2a के। अब हम जानते हैं कि ये अभी आपको बहुत मुश्किल लग रहा होगा और हम ये भी समझ सकते हैं कि इस सूत्र को याद रखना आसान काम नहीं है, लेकिन जैसे ही आप इसे संबंधित कुछ प्रश्न हल कर लेंगे तो फिर आपको इतनी मुश्किल नहीं होगी। अब हो सकता है कि आप सोचें ये सूत्र आया कहां से, पर इसके बारे में भी हम आज बात नहीं करेंगे। आज हम इतना ही कहेंगे कि पहले आप इस समीकरण को प्रयोग करना सीखें। वास्तव में यह सूत्र इस समीकरण को पूर्ण वर्ग बनाने वाली विधि से सरल करने पर प्राप्त होता है, और वो है ये द्विघात सूत्र, यानी द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। चलिए इसे किसी द्विघात समीकरण में प्रयोग करते हैं। एक ऐसा समीकरण लेते हैं जिसे हम आसानी से गुणन खंडित कर अपने उत्तर को सत्यापित कर सकते हैं, एक्स का वर्ग जमा 4x घटा 21, जो बराबर होगा शून्य के। तो इस स्थिति में a बराबर, इसे दूसरे रंग से लिख लेता हूं, तो इस स्थिति में a बराबर होगा 1 के, यानी x का वर्ग वाले पद का गुणांक 1 है, b बराबर है 4 के, यानी 4x वाले पद का गुणांक है, और c बराबर है ऋणात्मक 21 के, जो कि एक अचर पद है। चलिए अब इन सभी मानों को सूत्र में रखते हैं और देखते हैं कि हमें क्या प्राप्त होता है। इस कथन के अनुसार x बराबर होगा ऋणात्मक b के, और ऋणात्मक b है ऋणात्मक 4, ये है ऋणात्मक b, तो ऋणात्मक 4 जमा या घटा वर्गमूल b वर्ग, और b वर्ग बराबर है 16 के, क्योंकि 4 वर्ग बराबर होता है 16 के, घटा 4 गुणा a, जो कि है 1 गुणा c, जो है ऋणात्मक 21। ये ऋणात्मक चिन्ह निरस्त हो जाएंगे। हम इस सूत्र को प्रयोग पहली बार कर रहे हैं, इसलिए इसे चरणबद्ध तरीके से सरल करते हैं। ऋणात्मक 21 को हम ब्रैकेट में रख देते हैं और इस पूरे का बटा 2 गुणा a ओवर 2 टाइम्स a, a बराबर है 1 के, तो इस पूरे का बटा होगा 2। चलिए अब इसे सरल करते हैं और हमें मिलता है x बराबर है ऋणात्मक 4 के जमा या घटा वर्गमूल, यहां ऋणात्मक गुणा ऋणात्मक हो जाएगा धनात्मक, यहां हमारे पास है 16 जमा 4 गुणा 1 होगा 4, 4 गुणा 21 होगा 84, और 16 जमा 84 बराबर होगा 100 के। अरे वाह, ये तो पूर्ण वर्ग बन गया, और ये पूरा बटा 2 के, और ये बराबर होगा ऋणात्मक 4 जमा या घटा 10 बटा 2। अब इन दोनों पदों को भाग देते हैं 2 से, और ये बराबर होगा ऋणात्मक 4 भाग 2 होगा ऋणात्मक 2 जमा या घटा 10 भाग 2 होगा 5। इसका मतलब है कि x या तो बराबर होगा ऋणात्मक 2 जमा 5 जो होगा 3 के, या x बराबर होगा ऋणात्मक 2 घटा 5 जो होगा ऋणात्मक 7 के। अब लगता तो है कि द्विघात सूत्र द्वारा हमने हल ज्ञात कर लिया है। आप इसे सत्यापित कर सकते हैं इन मानों को इस समीकरण में प्रतिस्थापित करके, या आप समीकरण को गुणनखंडित भी करके देख सकते हैं कि कौन सी दो संख्याएं हैं जिनका गुणनफल होगा ऋणात्मक 21
और जिन्हें जोड़ने पर हमें प्राप्त होगा धनात्मक 4। एक्स जमा 7 गुणा एक्स घटा 3 बराबर होगा ऋणात्मक 21 के। ध्यान दीजिए, 7 गुणा ऋणात्मक 3 है ऋणात्मक 21, 7 घटा 3 है धनात्मक 4। अब ये होगा एक्स जमा सॉरी ऋणात्मक 21 गलत है, ये बराबर है शून्य के, क्योंकि यहां हमारे पास शून्य है तो x जमा 7 बराबर होगा शून्य के या x घटा 3 बराबर होगा शून्य के। इसलिए या तो x बराबर होगा ऋणात्मक 7 के या x बराबर होगा 3 के। तो देखा आपने, हमें दोनों तरीकों से समान उत्तर मिला। अब आप सोच सकते हैं कि ये सूत्र आपके लिए उपयोगी क्यों है। वेरी सिंपल, क्योंकि इस सूत्र द्वारा हम वो समस्याएं भी हल कर लेते हैं जिन्हें गुणन खंडित करना मुश्किल है। आइए कुछ और प्रश्न हल करते हैं जिन्हें गुणन खंडित करना बहुत मुश्किल है। चलिए शुरू करते हैं और इस द्विघात सूत्र को फिर से लिखते हैं यहां पर, क्योंकि इसे याद रखना काफी मुश्किल है। तो x बराबर होगा ऋणात्मक b जमा या घटा वर्गमूल में b का वर्ग घटा 4ac और इस पूरे का बटा 2a। अब इसका प्रयोग करते हैं एक और प्रश्न में। मान लेते हैं कि हमारे पास ये समीकरण है 3x का वर्ग जमा 6x जो बराबर है ऋणात्मक 10 के। तो सबसे पहले हम सभी पदों को बाएं पक्ष में रखते हैं, तो चलिए 10 को जोड़ते हैं समीकरण के दोनों पक्षों से और हमें मिलता है 3x का वर्ग जमा 6x जमा 10 जो बराबर है शून्य के। अब हम द्विघात सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं। आइए ऐसा ही करते हैं। यहां a बराबर है 3 के और ये है a, ये है b और ये यहां पर है c। तो द्विघात सूत्र द्वारा हम हल ज्ञात करते हैं इस द्विघात समीकरण का, या हम कह सकते हैं कि द्विघात समीकरण का मूल, द रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब x बराबर होगा ऋणात्मक b के, नेगेटिव b और b है 6। यहां लिखते हैं ऋणात्मक 6 जमा या घटा वर्गमूल में b का वर्ग और b है 6 और हमें मिला 6 का वर्ग घटा 4 गुणा a जो होगा 3 गुणा c जो होगा 10। करणी चिन्ह को थोड़ा आगे तक बढ़ा देते हैं। अब इस पूरे का बटा 2 गुणा a, 2 टाइम्स a, 2 गुणा 3। और अब हमें मिला x जो बराबर होगा ऋणात्मक 6 के जमा या घटा वर्गमूल में 36 घटा माइनस, ये दिलचस्प है, माइनस 4 गुणा 3 गुणा 10 और ये होगा घटा यानी माइनस 4 गुणा 3 हुआ 12 गुणा 10 हुआ 120। तो घटा 120 और इस पूरे का बटा 6। अब ये स्थिति तो बहुत ही रोचक है। अब आप समझ गए होंगे कि ये क्यों रोचक है। चलिए इसका सरलीकरण करते हैं। 36 घटा 120 बराबर होगा ऋणात्मक 84 के। इसे चेक कर लेते हैं जरा। 120 घटा 36, इसे मान लेते हैं 10 और इसे 11, तो ये हो जाएगा 84। तो ये बराबर होगा ऋणात्मक 6 जमा या घटा वर्गमूल में, पर ये धनात्मक 84 नहीं होगा। ये तब होगा जब हम 120 में से 36 को घटाएंगे, लेकिन हम यहां घटा रहे हैं 36 में से 120 को, तो ये ऋणात्मक 84 होगा और इस पूरे का बटा होगा 6। हो सकता है अब आप सोचे कि ये द्विघात सूत्र बिल्कुल बेकार है, क्या रखा है इसमें, क्यों इसे याद रखें हम, और यहां भी हमें क्या मिला इससे, एक ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल, ये तो हमारा उत्तर नहीं है। और आप सही हैं, पर इसका एक कारण है, इस समीकरण का कोई वास्तविक मूल नहीं है, या हम कह सकते हैं नो रियल सॉल्यूशन, नो रियल सॉल्यूशंस। पर इसकी बात हम आज नहीं करेंगे, बस इतना कहेंगे कि इसके लिए हमें एक काल्पनिक संख्या लेनी होगी जो कि ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल होगी और फिर हम इसे काल्पनिक संख्याओं के रूप में व्यक्त कर सकेंगे। यानी इस समीकरण का हल तो है, पर उसके लिए हमें काल्पनिक संख्याओं का प्रयोग करना होगा। तो इसका कोई वास्तविक मूल नहीं है, क्योंकि यहां हमारे पास ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल है। तो अगर b का वर्ग घटा 4ac, मतलब ये पद यहां ऋणात्मक है, तो फिर हम इसका हल नहीं निकाल सकेंगे। अब इसे वेरीफाई करते हैं। तो अपना ग्राफ बनाने वाला कैलकुलेटर लेते हैं और इस समीकरण का यहां पर एक ग्राफ खींचते हैं। ये रहा हमारा ग्राफ और y बराबर है 3x,
इसे जरा मिटा देता हूं मैं, जरूरी जगह बन जाएगी यहां। तो 3x का वर्ग जमा 6x जमा 10, तो ये है हमारा समीकरण। अब देखते हैं कि ये x अक्ष को कहां प्रतिच्छेद करता है, किस बिंदु पर ये बराबर होगा शून्य के। तो पहले इसका ग्राफ बनाते हैं। ध्यान दीजिए, ये पहले नीचे की ओर जा रहा है और फिर ऊपर की ओर जा रहा है, और इसका शीर्ष यहाँ x अक्ष के ऊपर है। ये ऊपर की ओर खुलने वाला पैराबोला है और x अक्ष को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करेगा। ये व्यंजक किसी भी बिंदु पर बराबर नहीं होगा शून्य के, किसी भी बिंदु पर y शून्य के बराबर नहीं होगा इस ग्राफ में। तो हम कह सकते हैं कि हमारा द्विघात सूत्र सही है। अब चलिए एक और उदाहरण को हल करते हैं, क्योंकि जितना अभ्यास करोगे उतने ही फायदे में रहोगे। और इस बार हम एक ऐसा समीकरण लेते हैं जिसे गुणनखंडित करना मुश्किल हो। तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक समीकरण है 3×x^2 + 12x + 1 जो बराबर है शून्य के। अब इसका हल निकालते हैं द्विघात सूत्र के प्रयोग द्वारा। तो दोनों x जो संतुष्ट करते हैं इस समीकरण को, वो है ऋणात्मक b और ये है b। तो ऋणात्मक b है ऋणात्मक 12 जमा या घटा वर्गमूल में b का वर्ग यानी 144, ये b का वर्ग है, घटा 4×a जो है ऋणात्मक 3×c जो है 1, और इस पूरे का बटा ऑल ऑफ दैट ओवर 2×a यानी 2×ऋणात्मक 3। तो इस पूरे का बटा है ऋणात्मक 6 और ये बराबर होगा ऋणात्मक 12 जमा या घटा वर्गमूल में, अब ये क्या होगा, ऋणात्मक गुणा ऋणात्मक दोनों निरस्त हो जाएंगे, और अब हमारे पास है 144 + 12 जो होगा 156। तो यहां होगा 156, 144 + 12 हुआ 156, और इस पूरे का बटा होगा ऋणात्मक 6। अब हमें लगता है कि हम इस 156 को सरल कर सकते हैं, कुछ संख्याएं यहां करनी चिन्ह से बाहर कर सकते हैं। चलिए कोशिश करते हैं और देखते हैं क्या होता है। तो आइए वर्गमूल 156 का अभाज्य गुणनखंडन करते हैं। कभी कभी सबसे मुश्किल होता है करनी चिन्ह को सरल करना। तो 156 समान होगा 2×78 के, 78 समान होगा 2× क्या, 2×what, 2×39, 2×39। तो 156 का वर्गमूल √156 बराबर होगा वर्गमूल 2×2×39, या हम कह सकते हैं कि वर्गमूल 2×2×√39 के। और जाहिर है ये 4 का वर्गमूल है या ये वर्गमूल है 2×2 जो होगा केवल 2, और ये बराबर होगा 2×√39 के। अब देखते हैं क्या ये सही है, 4×39, हाँ सही है, ये हुआ 156। तो इसे सरल करने पर हमें मिला ऋणात्मक 12 जमा या घटा 2×√39 और उस पूरे का बटा ऋणात्मक 6। अब हम दोनों अंश और हर को भाग देते हैं 2 से, और ये बराबर होगा ऋणात्मक 6 जमा या घटा वर्गमूल 39 बटा ऋणात्मक 3 के, या हम इन दोनों पदों को अलग कर सकते हैं और ये बराबर होगा ऋणात्मक 6 बटा ऋणात्मक 3 जमा या घटा वर्गमूल 39 बटा ऋणात्मक 3 के। अब इसे सरल करने पर हमें मिलेगा 2, क्योंकि ये दोनों रद्द हो जाएंगे, और 6/3 होगा 2, तो ये बराबर होगा 2 के। अगर हम धनात्मक को ऋणात्मक से गुणा करते हैं तो धनात्मक ऋणात्मक हो जाएगा और ऋणात्मक धनात्मक हो जाएगा, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि घटा या जमा समान होगा जमा या घटा वर्गमूल 39/3 के। अब हम इसे और सरल नहीं कर सकते अपना उत्तर प्राप्त करने के लिए, पर आपको यह समझना जरूरी है कि हमने अंतिम चरण में क्या किया। हम इस ऋणात्मक चिन्ह को भूले नहीं, बल्कि हमने कहा था कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि यह धनात्मक चिन्ह ऋणात्मक हो जाएगा और ऋणात्मक चिन्ह धनात्मक हो जाएगा। चलिए इसे यहां दोबारा लिख लेते हैं, 2×√39 / 3 या 2×√39 / 3 के। जमा या घटा का मतलब है कि ये भी हो सकता है या ये भी हो सकता है या दोनों हो सकते हैं। अब इस स्थिति में ये ऋणात्मक 3 हो जाएगा 2×√39/3 के, क्योंकि यहां हमने ऋणात्मक चिन्ह को बाहर कर दिया है, और यहां ये दोनों ऋणात्मक हो जाएंगे धनात्मक और हमें मिलेगा 2×√39/3 के।
ऋणात्मक गुणा ऋणात्मक होगा धनात्मक, तो एक बार फिर हमें प्राप्त हुआ है 2 जमा या घटा वर्गमूल 39 बटा 3 के। ये देखिए 2 जमा या घटा वर्गमूल 39 बटा 3 के। तो इस तरह से हमने हल निकाल लिया है यहां इस समीकरण का। चलिए इसे हम सत्यापित करते हैं। इसके लिए ग्राफ खींचने वाले कैलकुलेटर की मदद लेते हैं। पहले इसे हटा लेते हैं क्लियर बटन दबा के। तो यहां हमारे पास है ऋणात्मक 3x का वर्ग जमा 12x जमा 1। अब इसका ग्राफ खींचते हैं और देखते हैं कि ये x अक्ष को कहां प्रतिच्छेद करेगा। ये पहले ऊपर की ओर जा रहा है और फिर नीचे की ओर आ रहा है। अब ये क्या होगा, ये है 2 जमा या घटा वर्गमूल 39। तो 39 का वर्गमूल थोड़ा सा अधिक होगा 6 से, क्योंकि 6 का वर्ग होगा 36। तो ये थोड़ा सा अधिक होगा 6 से और ये थोड़ा सा अधिक होगा 2 से। तो थोड़ा सा अधिक 6 भाग 3 होगा थोड़ा सा अधिक 2 से। तो इस समीकरण का एक हल है जो 4 से थोड़ा अधिक होगा और दूसरा हल है जो 1 से थोड़ा कम होगा। और इसे हम यहाँ ग्राफ पर भी देख सकते हैं 1, 2, 3, 4। हम देख सकते हैं कि ये 4 से थोड़ा अधिक है और दूसरा हल यहाँ 0 से थोड़ा अधिक है या 1 से थोड़ा कम है। अब हमें पूरी उम्मीद है कि आप द्विघात सूत्र के प्रयोग को समझ गए होंगे।